विनीत, जब भी एक आर्टिस्ट होता है, जब वो एक क्राफ्ट क्रिएट करता है, उसमें अपना सोल ज़रूर डालता है। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस भी जुड़े हुए हैं। एक इसमें एक ये है कि जो बंदा है, आपका जो कैरेक्टर है, वो स्पोर्ट्स में है और फिर वो सरकारी नौकरी भी पाना चाहता है, राइट? और वैसे ही आपने भी किया अपनी रियल लाइफ में। आपने पहले तो आयुर्वेदा डॉक्टरेट पढ़ी, उसके बाद फिर आपने जंप किया यहाँ पर। तो स्ट्रगल वॉज योर बाय योर चॉइस, राइट? सो ये जो आपका जो कैरेक्टर है, जो कि ये बता रहा है कि समाज में आज भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बंदा है वो एक सेटल्ड करियर चुने, लेकिन हम कुछ और करना चाहते हैं। तो ये पैशन और पेरेंट्स के बीच की जो वॉर है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वॉर नहीं है, सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है और हम उस स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं, कभी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, कभी माइल्ड तरीके से, ये बात आती तो है। मैंने ये था कि माय फादर इज़ मैथमेटिशियन, तो घर में पढ़ने लिखने का ही माहौल था, दबाव था, और ये चीज़ नहीं थी कि मतलब मैं एज एन एक्टर कुछ करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल एकदम नया था, तो वो उसके लिए परमिशन तो नहीं थी। पढ़ाई के लिए बिल्कुल हमेशा बोला जाता था कि आप पहले पढ़ाई करिए, जो करना है करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई नहीं छोड़नी। और मैंने मेरा मेडिकल कॉलेज में हो गया तो पढ़ाई की, लेकिन मन में ये था कि एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है और मैं इसमें ही करना चाहता हूँ। और मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद ये और ज़ोर पकड़ने लगा, क्योंकि अब क्लियर था कि या तो डॉक्टर और या फिर ये जो सपना मैं देख रहा हूँ। तो वहाँ से ही मैंने रास्ते ढूँढने शुरू कर दिए थे कि कहीं से कोई रास्ता निकले और मुंबई जाऊँ। तो 1999-2000 के आसपास एक टैलेंट हंट था, उसके लिए मैं मेडिकल कॉलेज से आया था, तभी पढ़ ही रहा था, और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। तो जो करना चाहता था वो ये था, और जो घर वाले चाहते थे वो पीछे छोड़ चुका था, लेकिन मैं खुश हूँ। एक अच्छी चीज़ ये है कि सुकून बहुत है मुझे। जो सोचा था वो मेरी ज़िंदगी है, अब और क्या चाहिए।